नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेज़ों ने 18वीं सदी में की थी। पहली रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। वर्तमान में इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। इस यात्रा में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था और इस रेल ने 34 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया था। भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेज़ों ने इस उद्देश्य की थी कि माल यहाँ से ब्रिटेन में और ब्रिटेन का माल भारत में लाया जा सके, जिससे इनको माल ले जाने में कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।